सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रिम्स के चिकित्सक और प्रोफेसरों के साथ लेक्चर हॉल में बैठक की। इस दौरान उन्होंने रिम्स में बेहतर व्यवस्था बनाने की बात कही। रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा है कि रिम्स के उत्थान का निर्देश सीएम ने दिया। मुख्यमंत्री के पिछले विजिट के बाद रिम्स में कई बदलाव हुए हैं। रिम्स में साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर हुई है। सीएम ने सभी फैकल्टी को आश्वासन दिया है कि जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। मंत्री जी की जो इच्छा है या प्रशासन की इच्छा है, शासन की इच्छा है कि मरीज, गरीब मरीजों के लिए उचित इलाज मिले, उनकी व्यवस्था हो, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने सभी फैकल्टी को आश्वासन दिया है कि जो भी कमियां हैं दूर की जाएंगी, और फैकल्टी ने भी उनको आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री के साथ, राज्य के साथ गरीब मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। वही जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत ने कहा है कि सीएम के साथ हुई वार्ता में सीएम ने डॉक्टरों को अपना पक्ष रखने को कहा। सीएम ने डॉक्टरों से वीआरएस ना लेने की बात कही। बैठक में जो भी बातें निकल कर आई है उसे एक महीने के अंदर धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। वही एसीबी से जांच के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी आवर में बाहर प्रैक्टिस करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से उन्होंने अनुरोध किया या निर्देश भी दिया कि आप लोग वीआरएस ना दें, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि यहाँ के डॉक्टर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करने की संभावना है, करते रहे। आपकी जो जरूरी मांगे हैं उसको खजाना को देखते हुए जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि आज जितनी भी बातें निकल कर आई हैं उस बैठक में, उसको एक महीने के अंदर कार्यान्वित करने का कोशिश किया जाएगा। जाहिर है सूबे के मुख्यमंत्री रिम्स की सेहत को सुधारने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में रिम्स की व्यवस्था बेहतर हो, इसका हर संभव प्रयास सीएम रघुवर दास कर रहे हैं। न्यूज 11 के लिए सहयोगी उमेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।